घंटा कम कैसे हो गए? 24 अच्छा वो डिपेंड करता है कितने का कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, 20,000 रुपया तो फ्लाइट में दो या 20,000 यहाँ पे दो दिन एक्स्ट्रा काट लो। दो दिन एक्स्ट्रा काटेंगे, दो दिन एक्स्ट्रा काटेंगे। आप थोड़ा सा वीजा टिप्स दे दीजिए। एक्चुअली इसका लगा हुआ है पहले का, हम लोग यहाँ पे सभी ऐसे गधा मजदूरी कर रहे हैं, बट इसका जो है लगा हुआ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगा, मेरा एक्सपायर्ड ही है। आपके चेहरे पे घमंड क्यों नजर आ रहा है मुझे? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल भाई। जैसा कि मैंने तुमको कल बताया था, आज दोबारा से चित्कारा यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा मेरे को, जो कि मेरी क्लासेस ऑलरेडी शुरू भी होने वाली है, मगर दैट डोंट मैटर ब्रो, मेरे को जाना है आज। उसका कोई दोबारा से डिज्नी का काम आ गया। और रोहन कल्चर, रोहन भी चल रहा है, रोहन हॉस्टल जा रहा है। बड़ी लंबी छुट्टियों के बाद यार दोबारा कॉलेज शुरू हो रहा है। मेरा तो मन है नहीं भाई साहब, मैं बताऊँ आपको, दोबारा जाने का पड़ेगा। क्या करें, पैसे जो भर दिए या फीस वगैरह। गुड मॉर्निंग, पहले गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा मम्मी? आप सीधा बाय कर रहे हो। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल। अरे मैंने किया तो नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं तो नहीं। वेल, ग्लैड टू बी बैक। बाय बाय। ड्राइवर साहब जरा नाबा नाबा तक छोड़ दीजिए, जरा छोड़ता हूं बेटे को, छोड़ के चित्कार ही छोड़ के आऊंगा। आवाज नहीं आएगी, मोस्ट प्रोबेबली। हेलो भाई, मुबारक हो, घर तुम्हारा आ गया। अब रोहन जो है यहाँ से जा रहा है अपने हॉस्टल, मैं जा रहा हूँ अपना सन हॉल, जहाँ पर चल रही होगी मीटिंग, जिसके लिए मैं जरा से लेट हो गया। देखो, अगर मैं लेट ना हो तो कैसे पता चलेगा कि मैं आ चुका हूँ? क्यों पहचान बन चुकी है मेरा, हल्का सा 5 मिनट ही भले ही लेट हूँ मैं, पर मैं लेट जरूर होता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, पर आज मैं लेट। मिलता है, बाय बाय। कैसे कोई अंदर पूछेगा, मैं तो बोल दूंगा रोहन की वजह से लेट हुआ था मैं। अदम्य, हेलो, कौन करेगा? बस बढ़िया, सब खैरियत। थोड़ा एक्चुअली ना आज सुबह उठते मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, आई एम रनिंग अ लिटिल लो ऑन कंटेंट, सो इफ यू कुड हेल्प मी विद दैट कंटेंट, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि आप थोड़ा सा वीजा टिप्स दे दीजिए। एक्चुअली इसका लगा हुआ है पहले का, हम लोग यहाँ पे सभी ऐसे गधा मजदूरी कर रहे हैं, बट इसका जो है लगा हुआ है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगा, मेरा एक्सपायर्ड ही है। तो आपके चेहरे पे घमंड क्यों नजर आ रहा है मुझे? भाई ये कट कर, हाँ मैं कट कर दूँगा। एक्चुअली हमारा एक फ्रेंड है, पर वो फ्रेंड का इमिग्रेशन एजेंट है। हमारी फ्लाइट है 25 घंटे की, ठीक है? नाउ फ्लोरिडा इज 12 आवर्स बैक। अरे अरे आप आ गए भाई साहब, हमारी फ्लाइट है 25 घंटा कम कैसे हो गए? 24 अच्छा वो डिपेंड करता है कितने का कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, तो हम 25 घंटे की फ्लाइट जाके भी ट्रैवल करें तो हमारा रियल टाइम ट्रैवल पड़ेगा सिर्फ 13 घंटे। ठीक है, अगर हम 13 को जाएं तो हम वहाँ पे 13 को ही पहुँच जाए। मुझे समझ में नहीं आया, पर आई मीन अब हमारा चेक इन है मंडे, और सबसे बड़ी बात है सैटरडे संडे को फ्लाइट थोड़ा कॉस्टली होते हैं, 15-20,000। हम वीकडे पे जाएंगे, हम वीकडे पे बाहर, ये मैं समझ गया। अरे दो दिन बाद ही फ्लाइट का रेट बोल, आप 20,000 रुपया तो फ्लाइट में दो या 20,000 यहाँ पे दो दिन एक्स्ट्रा काट लो। दो दिन एक्स्ट्रा काटेंगे, दो दिन एक्स्ट्रा काटेंगे। बाय किया था फिर आ गया यार, सिर्फ मैं ही खा रहा हूँ, इसने तो हॉस्टल में खा लिया। मैं जिस पर्पज के लिए यहाँ पर आया था वो घर पर भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं था, ये कॉलेज आके फॉर्म भरा जाता, बट चलो नेवर माइंड। और ज्योतिका क्या चल, जहाँ मैं फॉर्म भर रहा हूँ ज्योतिका वहाँ जरूर मिलेगी। बहाने कम पड़ गए दोस्तों, पर चाय जो है चलती रहनी चाहिए। तो रोहन आ रहा है बस अभी, फिर हम जाएंगे चाय पीने के लिए। यहाँ पे हमारे कुछ ही जगह है जहाँ पे जहाँ की चाय हम पी लेते हैं, पसंद है हमको चाय चस्का बार की। हमने लास्ट टाइम ट्राई करी थी, इतनी कोई पसंद नहीं आई थी हमको, पर ठीक है आज दोबारा मौका दिया जाएगा CCB को। मुझे लगता है मैं CCB को दोबारा मौका देना चाहिए। थोड़े टाइम कॉलेज के ना सब ऐसा चेंज हो गया है। अभी आजकल एक नया सिस्टम है जहाँ पर मतलब नाम सीधा स्पीकर पर लगा दिया, यहाँ पर हम नाम ले रहे हैं तो उस हिसाब से ऑर्डर ले लो अपने जाके, पहले ऐसा कुछ नहीं था। और ऑर्डर जहाँ पर होता है वहाँ पे शीशा भी लग गया है। क्या है रिपोर्ट? मीठी है थोड़ी, मीठी है क्या? अदरक वाली ली है? अब मैं आया तो ऑटो से था, पर अब झाट से मैं दोबारा 50 रुपये नहीं खर्च करने वाला, ऑलमोस्ट इतना लेट हो ही गया हूँ मैं, बस से चले जाएंगे। भूल गया था मैं ब्लॉग करना यार, एक्चुअली लेना भूल गया था, वो तो अंदर पास था। दोस्तों क्या चल जाती भाई? बहुत बढ़िया, मेरे को मालूम नहीं था कि आप आए, नहीं तो अब तक तो 3-4 रील हम कर चुके होते। बिल्कुल आइडिया तो यही था, मैं नेट नहीं चल रहा, नहीं तो अभी भी कर लेते हैं। सही, और कुछ नहीं, व्यास भाई को मैसेज दे दो, व्यास भाई। अरे ब्यूटीफुल, विल नॉट कट दिस। अगर आप आज ब्लॉग में देखेंगे, हाँ जी, मेरी आंखें जो है थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप ऐसे 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 हो रही है, क्योंकि नींद आ रही है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमको बुला लिया था वो अलग बात, मैं पहुंचा लेट, पर मैं दिमाग से तो टेंशन में था। बिल्कुल, ये मानते हैं? बिल्कुल मान, ये आई एग्री, रेस्ट लेना, और जब खासकर जब काम हो फिर रेस्ट। ओह मजा आ रहा है, जो मैं बस में आज सुबह सो के आया तो जाऊंगा मैं एयरफोन में लेके आऊँ, मतलब ब्यूटीफुल अगेन चाहिए तो ये आई होप जैसी कट होगा वापस नहीं मांगेंगे मुझसे, मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों आज जो मैंने चीज सीखी, तुमको बस में सोने के लिए एयरफोन से जरूरत नहीं है, बस नींद होनी चाहिए, क्योंकि मैं कब सोया कब उठा, मेरे को तो यहाँ पे भी किसी ने उठाया है कि भाई तेरा स्टॉप आ गया, नहीं तो मैं तो फुल वापस चल पड़ता कॉलेज के लिए। मिलते हैं घर जाके अब रियो से, बाकी सबसे और रियो से भी। रियो ओए कैसा? अच्छा भाई,
बैलेंस भी बिगाड़ दिया था। मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं यहाँ पर भी सो सकता हूँ खुशी खुशी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी उठाओ यार मुझे। यो के लिए ये चीकू की फ्रेंड है, उसकी डॉग है चीकू, इसका नाम चीकू है और चीकू का नाम भी चीकू है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये हिल चुका है भाई ये, तब इसको लगा है कि कोई नया दोस्त मिलने वाला है, तो पागल हो चुका है खुशी में। आज एक्चुअली रियो की तबीयत थोड़ी ढीली है, इवन कनिष्क भी बीमार है और मैं भी बीमार हूं। मैं ही बचा हुआ हूं, भगवान बचा के रखो, मेरे बहुत अपॉइंटमेंट आ रहे हैं आगे। ये देखो भाई, ये एक्साइटमेंट का लेवल बिल्कुल, थोड़ी देर तक पहले तक बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था नाम से। इन दोनों की जो प्लेडेट है इसके बीच में आ गया हूँ, क्योंकि रियो जो है इसको मतलब इसका खेलना चाहता है और ये थोड़ी सी डर रही है। ये है आज का पूरे दिन का, ये मेरे दिन का अभी तक का सबसे क्यूटेस्ट मोमेंट रहा है भाई। इसी के साथ जरा सा हम लोग लेते हैं आपसे थोड़ा सा गुड बाय करना चाहेंगे हम अभी इसी के साथ आप लोगों को, तो जल्दी मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। कल मेरे को जाना है पासपोर्ट ऑफिस, एक और काम है भाई, काम पे चक्कर पे चक्कर है और काट रहे हैं क्योंकि भाई समय का पहिया चलता है, पता नहीं क्या बोलता हूँ मैं, रुक जाना नहीं। आज जाते हो तुम्हारे गुड नाइट मैसेज में, गुड नाइट सॉन्ग है, बहुत मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, पूरा गाना सुनना इसके बाद। ओके गाइस, ध्यान रखो, मौज करो, ऐश करो, एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।